जसमंत सिंह जी यूएसए से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मेरे गुरु नानक स्वरूप कृपा निधान सदगुरुदेव आपके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मेरा धन्य सौभाग्य है जो आपके चरण रज में लौटने और वृंदावन धाम आकर दिव्य सानिध्य में अमृत वचन श्रवण करने का अवसर मिला। अंतर्यामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास इहे सुख मांगे, मोकू करी संतन की धूरे। गुरु जी, गुरु कृपा से इस कुचिल कठोर कामी को गुरुद्वारों देवालयों संत मंडलियों में प्रभु के यश कीर्ति गायन करने के सुखमयी अवसर मिला और ये निष्कर्ष निकला, स्मृति वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। मन को नाम जप कराना बिठाता हूं पर ये प्रियतम के किसी एक नाम का चयन नहीं कर पा रहा। ये सब शास्त्रों की सार बात है, सब शास्त्रों की, सब साधन करने के पश्चात अभी पीछे वाले बैच में एक विद्वत जनों को यही बताया कि हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जीवन है, जो हम बोलते हैं ये हमारा जीवन है। और हमारा जीवन नहीं, हमारे गुरुजनों का जीवन है, हमारे गुरुजनों का ही नहीं, हमारे सब महतजनों का जीवन है। देखो आप जो गुरुवाणी जी की बात करें, सब संतों की वाणी है, गुरुवाणी जी में सब संतों की वाणी है, कुछ ऐसा नहीं है जो अन्य शास्त्रों में हो गुरुवाणी जी में ना हो, सब गुरुवाणी जी में। निराकार साकार तत्व चिंतन भक्ति प्रेम साधु सेवा सब गुरुवाणी जी में है, बस पकड़ पावे महापुरुषों के वचन पकड़। गुरुवाणी संपूर्ण है, गुरुवाणी मतलब पूर्ण गुरु विराजमान है, साक्षात गुरु साहब भी विराजमान है। और पूरी गुरुवाणी में सार बातों पर अगर हम ध्यान दें, दो बातों पे ज्यादा जोर दिया गया है, एक नाम जप और दूसरा नाम जापक संतों की सेवा, सब समाज की सेवा। जो समाज है भगवान नाम जापक भगवत गुण कीर्तन करने वाली, इसकी सेवा। अगर ये दो वृत्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाएं, तो पूर्ण पुरुष को प्राप्त करने की कोई कठिनाई नहीं रहेगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि नाम में हमारा मन टिके कैसे, तो हमारा मन मलिन है। मलिन मन की पहचान पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो विषय भोगों में प्रकृति में जाता है उसे मलिन मन कहते हैं। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती, जो इंद्रियां अपने अपने विषय भोगों को भोग कर सुखी होना चाहती हैं और मन उसका संकल्प करता है और बुद्धि आदेश कर देती है, ये पूरा डिपार्टमेंट मलिन डिपार्टमेंट कहा जाता है। अंतःकरण स्थूल शरीर इंद्रियां सब मलिन हो गई। अब इसके निर्मल करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय संत समागम कहा गया है। व्रतान यज्ञ छन्दांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो हिमाम। श्रीमद भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एकादश स्कंद में वर्णन करते हैं, कहते कि बड़े बड़े व्रत पवित्र करने के लिए किए जाते हैं लेकिन वो पाप नष्ट कर सकते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। ध्यान देना, पाप नष्ट होना और पाप प्रवृत्ति नष्ट होना, इसमें अंतर है। जैसे हम गंगा स्नान के पवित्र तीर्थों का कुंडों का सरोवरों का स्नान किए, तीर्थों में गए वैसे अनुष्ठान किए तो पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप प्रवृत्ति नहीं, वो लौटकर फिर जैसे ऊपर से काट दिया तो नए नए कई किनगे, उसमें जड़ नष्ट नहीं हुई, पाप की जड़ क्या, पाप प्रवृत्ति। वो पाप प्रवृत्ति बोले व्रतान यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े व्रत करने से, वेदों का पाठ करने से, तीर्थ का अवगाहन करने से, यम नियमों का पालन करने से उतनी शुद्ध नहीं होती जितना साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के सच्चे पथिक हैं उनका संग करने से जो होती। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, बिना भजनानंदी महात्माओं के संग के भजन नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा व्रतांश यज्ञ छन्दांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंदेत सत्संगा, जो सत्संगी मतलब जो सत का चिंतन करते हैं, सत्संगी कौन है,
जो इस शरीर का चिंतन करता है वो असत संगी है। जो इस शरीर को चैतन्य प्रकाशित कर रहा है, सबकर परम प्रकाशक जो है, वो सत है। चाहे उसे आप परमात्मा कहो, चाहे उसे आप आत्मा कहो, वो घट घट जो व्यापी तत्व है, जो नाम देना चाहो, उसका जो चिंतन कर रहा है जितने सेकंड उतने सेकंड सत्संग हो रहा है, इसके अलावा सब असत्संग है।